अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये ठीक अल्लाह पाक ने बड़ा आसान है ताकि तो इन्ने ढेर सारे पैसे फड़ के तुझे में लगता है पूरे साल की शॉपिंग करने आ गया। नहीं सर जी, ये तो एक देख दो किलो के हो भी नहीं आना जी। इन्ने ढेर सारे पैसे ने। हां तो देख दो किलो के हो भी नहीं आना, एक किलो के हो आना जी। इतनी सस्ती हर चीज़ है शहबाज शरीफ जी के। शहबाज शरीफ नहीं तो सारा कुछ उन्होंने कहते से कि आपने इमरान खान साहब रोंदे सा हूँ रोने इन पिटन लगे हैं। साड़ी तो तनखा भी नहीं हाली तक मिली जी, असी रोटी रोटी खाइए। साढ़े बच्चों तो आलू खा खा के तंग आ गए ने। असं कहने कि महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं तो साढ़ा जीना आराम करता जी। कितने महंगाई वेखो, सारिया गड्डिया भजिया फिर रही ने, लोग अपने वेखो सामने फड़ लेंगे। कि मुल्क की महंगाई वह महंगाई नहीं ना करते जे उत्ते बैठे ने, वो उन्होंने ही महंगाई की है। सारा तो पैसा पैसा साढ़ा लुट मुट वो कर रहे हैं, जैशियों वो कर रहे हैं तो पैसे फिर भी साढ़े महंगाई तो साढ़े तो बोझ पाया इन्हें ना। असं कहने के तनखा साढ़े तो ताे को 10% वो भी कहने कट लो इन्होंने को तनखा भी 10% हाँ कट लाते पे और भी सुनिया लाते हैं। हाँ जी ये भी सुनिया कि कट रहे हैं वो असं अपने बच्चों को 12 बच्चे ने मेरे माशाला माशाला। हाँ जी तो 2 मेरी नूह ने 14 हो गए माशाला 14 30,000 रुपये किमें गुजारा करिए 25,000 तनखा। हाँ जी 30,000 रुपये घर जी किराए का घर सरकारी दिता इन्हें अपना तो है ही नहीं। सरकारी क्वार्टर है कि सरकारी क्वार्टर है तो क्वार्टर है। तुम 14 बंदे किए रेंदे पे हो 14 नहीं फिर अपने मियाँ भी पाओ 16 बंदे अगो उन्हों के नूह के बच्चे इंशाला पाओ। वो इस तरह ही है जिस तरह माल डंगर डकिया ने साध रफीक साहब ने कहा कि जो इंजन शेड से जाके वादा करके गए सर। हाँ कि जी यह घोड़े बनने वाली जगह पे। हाँ मैं कोशिश कराँगा कि आगे तो साध याद साधक कामयाब करवा के तुहाडे लिए क्वार्टर बेहतरीन करावे। साध रफीक साहब और उन्होंने गल कह के तुर गए ना, वो क्वार्टर बने ना किसी कलोनी रेलवे वाले कोई सहूलत मिली है। असी आई जाई तो बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहे हैं सर जी, बड़ा ही मुश्किल हो गया जी। साढ़ा तो जीना आराम हो गया जी बंदे ना। तो 14 बच्चों चो कमांदा को नहीं है जी उन्होंने चो? नहीं जी हाले मतलब कुछ एक बच्चा गया है दुबई, वो भी हाले महीना होया जी हाले वो भी काम अजर कर्जे ला गया कलन हाले तो 5 लाख रुपया उन्होंने ला के भेजे अजर कर्जे ला वो ला के फिर गुजारा बनेगा मुश्किल ही। सब तो बड़ी है इमरान खान ने खाना खराब कराया जे मुल्क का 4 साल अगर इस पहले है सी लूट घसूट करते सन लेकिन इन्ना नहीं जितना इसने आके इस मुल्क ने कंप्रोमाइज करना चाहिए सी इन्हों दोवें पार्टियों को कंप्रोमाइज करके चलना चाहिए ताकि इस मुल्क की बेहतरी वैसे करे। यानी कि सारे अगर मैं मिसाल देना वा कि मैं अगर तुम कहो कि फलाना बंदा चोर है और पता लग जाए कि वह चोर है तो फिर मैं उस चोर के ना कह कि यार कंप्रोमाइज़ कर लिए तू भी खाई जा तो मैं भी तो फिर कंप्रोमाइज़ ही ना करना फिर इन्होंने मारो इन्होंने बंब मैं बंब मारो असैम्बली भी सारे उठाओ ये तो सारे समुद्र भी डोबन वाले काम है इन्होंने है तो कोई इस काबिल नहीं है ना नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ ना इमरान खान साहब के सारे डोब देंगे सारे डोबे इस मुल्क किसी बेहतर हो जाएगा वजीर आजम तुम बना देंगे मैंने मैं बन ही नहीं सकता मैं तो लगे रोटी कमा लगा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है ये फिलहाल मौजूद नहीं है ना बनिया है ना तुम वजीर आजम क्यों नहीं बन सकते सू बन देंगे तो दादा ना वो एक बकरी जंग है लेकिन जिद को शनाख्ती कार्ड इस मुल्क का है पैसा साडा है गड्डिया इन्हों को पेट्रोल साडा है साढ़े चीज़ है सारा कुछ साडा है यशियाँ ये करन देने मेरी दरखास्त उत्ते एक काम जरूर करना जी नमाज पढ़ के दुआ मुल्क वास्ते जरूर करना मुल्क वास्ते तो दुआ करनी मैं एक दलील देना वा तुहाडी मेरी मेहनत कमी कोई नहीं है सुबह तो शाम तक मजदूरी करी दी हाँ जी मजदूरी असी नेक नीसी नाल मेहनत कर सकते हैं इंशाल्लाह साडे मसले मसाइल या साडी जड़ी हालत है ना अमाल भी होणगे हां साडे अमाल भी होणगे अमाल भी होणगे लेकिन वो अमाल उन्हां तो माफी तलाफी साडे गुनाहां दी दुआ नाल लबेगी इन्हां नूं कोई माफी नहीं है ए असी बख्शे ने ए अल्लाह अगे जाके जवाब दे यकीन मन्नो ओ असेंबली दे विच ने जेड़े लंडता भेजे सन उत्ते कलमा लिखिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल फिर उदे पिछे क्यों लड़ रहे ने उत्ते क्यों जाके बैठदे ने बार बार ठीक है ठीक है लेकिन तू मेरी दरखास्त से दुआ मांग इंशाल्लाह इस मुल्क से साडी दुआएं ने साडी बच्चियां दी दुआएं ने इस मुल्क नु कायम दाएं मैं तासी कायम दाएं इंशाल्लाह अगर ये मुल्क नहीं है तासी भी लगा अल्लाह पाक मुश्किल आसान करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से आप ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी आप ठीक। आप लोगों का ये कारोबार तो पैसे ही पैसे हैं मतलब जिन्ने आना है घ्यो आटा सस्ती रिश है कोई नहीं जी बिल्कुल ऐसी महंगाई होएगी तो थोड़ा मार्जिन भी नाल बढ़ेगा कि नहीं मार्जिन नहीं बढ़ता ये होता है कि जो रास है वो बढ़ जाती है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना उस वजह से। अब घी ऑयल की कीमतें जितनी बढ़ी हैं या दालों की कीमतें जितनी बढ़ी हैं दालें हमारे पास अपनी हैं हमें तो ये एक बड़ा मकबूल बहाना मिल गया ना कि डॉलर महंगा हो गया तेल महंगा हो गया अभी जो डॉलर महंगा हुए वो दालें हमारे पास अभी नहीं पहुँची नहीं है वो नहीं पहुँची ओके उनके रेट
10 20 लेके 70 रुपए पर केजी तक महंगे हो गए, ठीक है ना, होंगे हो गए आज हो चुके हुए हैं, जो आज रेट नोटिफाई होने थे उसमें 70 रुपए पर केजी का फर्क है। वो चीज़ें महीना पहले से, जी बिल्कुल एक महीना पहले से okay. वो चीज़ें हमारे पास आई नहीं। 1000 रुपये मन चावल महंगे हो गए हैं जो डॉलर के नाम पे हो रहे हैं, लूट मार। अगर वो 100% लूट मार, वो तो अगर वो ये चीज़ एक तो लोकल प्रोडक्ट है हमारी, फिर शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, आपको जितने चावल चाहिए आपको मिलेंगे, सिर्फ महंगे मिलेंगे। ये ठीक, ये चीज़ ख़त्म होगी कि आपके पास माल कम है, माल वापर है, जितना मर्जी ले लो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वही लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं जिन लोगों ने ऑयल में पैसा लगाया था, ओके वो चावलों में पैसे लगा के वो अपनी मनमानी के मर्जी के रेट वो करवा रहे हैं, ओके दालों के रेट आगे, इसके आगे फिर घी ऑयल की कीमतें बेहतरीन फैसला था गवर्नमेंट का। क्या मैं अगर 2 मंथ तक नहीं घी ऑयल मंगवाते तो हमारे पास वापस स्टॉक है। एक खबर ने 60 से 70 रुपये पर केजी घी महंगा कर दिया सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। ये बहाने छोड़ के चेक एंड बैलेंस की बात है, किसी को ये नहीं पता कि घी किसने महंगा किया है, किसने सस्ता करना, कोई बंदा जिम्मेदार है ही नहीं। अथॉरिटी आई कोई नहीं, नहीं कतई नहीं, कोई अथॉरिटी, कोई जिम्मेदार बंदा है ही नहीं। आप किसी से जाके पूछेंगे कोई नहीं करेगा, सवाए अब मेरा ख्याल है कि सवाए मीडिया के कोई नहीं चीख रहा, जब आवाम चीख रही है, जब मीडिया चीख रहा है कि महंगाई होगी, महंगाई होगी और बचेगा भी वो थोड़ी शोर मचाएगी कि महंगाई होगी, महंगाई और जो है कि ये दो अगर आवाम तो हो जाएगी खामोश, मुझे लगता है जो हाल कर दी है ना आवाम को, बेहाल कर दी है, तो वो आवाम तो मेरे ख्याल खामोश हो जाएगी। अब रह गया मीडिया, वही जाके जहाँ मर्जी देख ले, अब मीडिया चीख रहा है कि महंगाई होगी, बहुत ज़्यादा कुछ इसका करें, कोई करने के लिए तैयार नहीं है आदमी। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो हैं, बेबी फूड्स हैं, हमारी लोकल आइटम्स हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है कि उसकी प्रोडक्शन है कितनी, पहले कितनी थी, अब कितनी है, क्यों क्या चीज़ महंगी हुई है, उन पर गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, डॉलर महंगा हो गया। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा ख्याल उसमें हम भी मुलव्वस हैं लोग, कि एक दिन के लिए मोमबत्ती 30 रुपए वाली हमने 80 रुपए की बेची, मैं खुद ली है, मैंने जाती तौर बिल्कुल ऐसी हकीकत है। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक बंदे को कहें, हम तो सब लोग 22 करोड़ के, बिल्कुल हकीकत है कि मेरा ख्याल कि हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। मुझे ये पता है कि कल जब पेट्रोल की परसों प्राइसेस बढ़ी है ना, आपको कितनी रोडों के ऊपर लोग एहतजाज करते नजर आए, पुराने बुजुर्गों से कहानियां सुनते हैं जी, अयूब का दौर हुंदा सी, ओदे चीनी अंदर पे कुछ पैसे महंगी हुई थी, सड़कां ते आ गए सर पाकिस्तानी, सारे ये मसाले अयूब भी मर गया, अब क्या वो आवाम भी मर गई नाल, वो सारी आवाम भी पाकिस्तानी मर गए, हो बिल्कुल ऐसे बेहिस होगी, बेहोश हो गए। और आज भी हो सकता है कि चावल 2700 रुपए मन मुंजी का रेट था, अब 7700 रुपए हो गया, बाहर से नहीं आई मुंजी, आपने ली। लेकिन दूसरी बड़ी ज्यादा ये है कि जिमीदार को फायदा नहीं हुआ, ना गंदम का ब्रोकर खा गया, बिल्कुल है जो मिडिलमैन कौन है, मिडिलमैन वही लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके मुताबिक आप बोल भी नहीं सकते। मैं तो बोल लेना, बाकी लोग ना बोलना, मैं तो बोल जाओगे फिर, अब वो उन लोगों को मालक कह लें या कुछ कह लें, वही लोग इन चीजों में मुलव्वस है। हमारी लोकल आइटम्स क्यों महंगी हुई, बाकी शॉप की ये कह सके कि ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती, रुक नहीं सकती, महंगाई वापस नहीं हो सकती, 100% हो सकती है, लेकिन किसी का मुल्क है ही नहीं, सब हम लुटेरे हो चुके हैं। ओह यस, तो